हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा ही गेम यहाँ पे खेला जा रहा है, जिसमें आप लोग यहाँ पे फंसने वाले हैं। एंड ये जो गेम खेला जा रहा है दोस्तों, वो ऑपरेटर्स के द्वारा यहाँ पे खेली जा रही है। ऑपरेटर्स की एक बड़ी चाल यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, जिसमें जो कि रिटेल इन्वेस्टर ही ज़्यादातर यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक कंपनी के ऊपर बातें करने वाले हैं, ठीक है। एंड उस कंपनी को का रिजल्ट भी यहाँ पे अभी जस्ट मैंने यहाँ पे कल ही कवर किया हुआ था, ठीक है। तो देखा जाए तो उस कंपनी में जो उसका रिजल्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है, उसके बेसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज कंपनी में कुछ और होना था एंड आज यहाँ पे हुआ कुछ और है, जिसमें जिसके वजह से ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस कंपनी में फंसने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। आप देख सकते हैं कि आज का इसका जो परफॉर्मेंस है वो हरे निशान में ही यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड अगर चार्ट में भी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये कंपनी हम लोगों को अप्स एंड डाउन्स में ही देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर हरे निशान में ही देखने को मिल जा रही है, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर हम लोग इनके रिजल्ट्स की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, तो अगर आप लोगों ने कल का वीडियो मेरा यहाँ पे देखा होगा इनके इस कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें आपने देखा था कि इनका जो परफॉर्मेंस है, इनका जो प्रॉफिट है, इस बार की प्रॉफिट की बातें करें तो वो माइनस में हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। एंड अगर एक साल पहले के प्रॉफिट की बातें करें तो वो प्लस में देखने को मिली थी, तो उसके हिसाब से इनका जो रिजल्ट था वो हम लोगों को ख़राब देखने को मिल चुका था। देन दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग प्रोविजनिंग की भी यहाँ पर बातें करें, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये कंपनी फाइनेंस बैंक से रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिलती है, तो प्रोविजनिंग भी देखना बेहद ज़रूरी है। तो प्रोविजनिंग की भी बातें करें दोस्तों, तो क्वार्टर एंड ईयरली एंड ईयर ऑन ईयरली अगर बातें करें दोस्तों, तो वहां पर भी प्रोविजनिंग जो है वो हम लोगों को बढ़ते हुए ही देखने को मिल जा रही थी, तो ये भी एक नेगेटिव चीज हम लोगों को देखने को मिल जा रहा था। देन दोस्तों, यहां पे अगर हम लोग एनपीए की भी बातें करें, ठीक है, ग्रॉस एनपीए की बातें करें, एनपीए की बातें करें दोस्तों, तो यहां पे आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका जो एनपीए है वो क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे, क्वार्टर एंड क्वार्टर या फिर ईयर और ईयर बेसिस पे भी अगर आप इनका एनपीए देखेंगे, तो उसमें भी हम लोगों को बढ़ोतरी ही देखने को मिल जा रही है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इनका जो रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला था दोस्तों, वो ओवरऑल हम लोगों को खराब ही देखने को मिला था, जिसके बेसिस पे आज इस कंपनी में हम लोगों को गिरावट देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स का एक बड़ा खेल यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। एंड इस कंपनी में देखिए गिरावट यहाँ पे हुई ही नहीं है, जबकि कंपनी आपको हरे निशान में ही देखने को मिल जा रही है। तो इस तरह की कंपनियों की अगर हम लोग बातें करें दोस्तों, तो आप लोगों से यहाँ पे दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट खराब थे। एंड अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यह कंपनी 26 मार्च 2021 से मार्केट में देखने को मिल रही है। एंड तब से अब तक आप देख सकते हैं कि ये 39% तक यहाँ पे हम लोगों को गिरावट में ही देखने को मिल जा रही है। सो उसके बेसिस पे भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे इग्नोर करके चल सकते हैं, ऑपरेटर्स के चाल में मत फंसिएगा दोस्तों, ठीक है। एंड इस कंपनी को अभी यहाँ पे इनके रिजल्ट के बेसिस पे ये कंपनी अभी हम लोगों को बाय करने लायक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सो दोस्तों, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि ऑपरेटर्स से यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट आया है उसका जो बोलते हैं रिव्यू रहेगा, वो जरूर इस कंपनी में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा, चाहे कल देखने को मिले या फिर 10 दिन बाद देखने को मिले, लेकिन देखने को आपको ज़रूर से यहाँ पे मिलने वाली है। सो दोस्तों, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इस कंपनी से थोड़ा सा बच के रहियो, ठीक है। सो दोस्तों, देखा जाए तो ये आप लोगों को न्यूज़ बताना बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं दोस्तों, वो लोग इस तरह से इस तरह की कंपनी में इस तरह के चाल में यहाँ पे फंस जाते हैं एंड वो लोग लॉस गवा देते हैं। लॉस गवाने के बाद वो ये मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे पैसा डूबता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतना पैसा बनता है दोस्तों, कि अगर जितना पैसा यहाँ पे बनता है उसकी केवल एक बूंद भी आप लोगों के ऊपर गिर गया तो समझ जाइए आपकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती है। इतना पैसा इस मार्केट में आराम से यहाँ पे बन जाता है। सो यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा, इस कंपनी से रिलेटेड आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।